तो यार यहाँ पे गाड़ी ठुक गई। अच्छा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें जो पैसेंजर थे तुम साथ ले जा रहे, क्योंकि इनको आगे कुछ लिफ्ट मिले थे रात को, मेरे साथ बच्चे बैठे हुए भाई फंसना चाहे आज उधर बर्फबारी और तेज हो गया यहाँ तो मोटी मोटी बर्फबारी। भाई अरे पूर्धार मुखी बराबर स्टार्ट, ऐसे कल आए थे रुकूधार जाना था सोलो सॉरी चपाल था, आज तो वापस पहुंच गए यहाँ सुबह, अभी दिन हो गया हरिपुर धार, चपाल का तो कैंसिल ही हो गया है, वापस जा रहा हूँ सोलन, क्योंकि जैसे कल भी कहा था कि मौसम तो एकदम कभी भी चेंज हो जाता है और मेरा भी प्लान कभी भी चेंज हो जाता है, जाना कहीं होता है और चला कहीं जाता हूँ, मतलब जो प्लानिंग की होती है मैंने ब्लॉग के बनाने की रिगार्डिंग वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो आज वापस हरिपुर थार और थोड़ी देर में निकलेंगे सोलन, देखते हैं आगे सोलन तक क्या क्या मिलता है आज। भाई ठंड तो बेरहमी है, फिलहाल खाते खाना फिर निकलते सोलन को, चलो आजा फिर निकलते रहा, लेट हो जाएंगे, लेट क्या बर्फ़ गिर रही है तो रोड का भी इशू है क्योंकि रोड भी बंद हो सकते हैं आज। भाई टोपू लगाते हैं, टोपू टोपू लगा के हाँ ये जोरों जोरों की बर्फ लग रही है, अभी हमने खाना है खाना कर रहे तब तक मैं इधर आगे तक जा रहा हूँ, फिर चल पड़ेंगे हम वापस सोलन, यार क्या ही हो रहा है आजकल, जाना कहीं होता है और पहुंच कहीं जाता है पता नहीं। चलो आज बर्फ के ही मजे ले लेते हैं, स्नोफॉल हो रही है और सामने से आ रही है बर्फ, वापिस से टिकना शुरू होगी, ये पहले की बर्फ बहुत है यहाँ पे और वापिस से भी इकट्ठी होगी, अब तो भाई फंसना चाहे आज अपने धर्म में, ना घर का ना घर अटका, ना यहाँ से घर जा पाऊंगा कभी बार, क्योंकि फिर रास्ते जाते हैं ब्लॉक, बसेस की ये चली गाड़ियाँ नहीं जा सकती, फिर तो क्या मैं काम से। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट की कि भटकता ही रहता हूँ, मुझे जाना कहीं होता है और बर्न कहीं का जाता है, क्योंकि मुझे परसों में बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मुझे छुपा जाना पड़ रहा है काम से, वो भी भाई फ्रेंड सर्कल के चक्कर में हो गया कैंसिल, मैं पहुंचा रात तो रात पौंटा, पौंटा से सोलन, फिर सोलन से आया हरिपुर धार के, फिर चौपाल जाना था और यहाँ आया शाम को, यहाँ से फिर चेंज है वापस जा रहा हूँ सोलन, और प्रोग्राम है सुंदर नगर का वैसे मंडी, अब पता नहीं कहाँ पहुँचता हूँ, जा भी रहे सोलन की ओर, देखते हैं कहाँ तक क्या होता है, प्लान तो मैंने बहुत सही सही की थी ब्लॉगिंग के लिए। भाई खाना तो खा लिया है हमने, अब बर्फबारी और तेज़ हो गया यहाँ तो मोटी मोटी बर्फबारी, तो खाना खा के अब निकलते हैं सोलन की ओर, मौसम है बहुत ही खतरनाक, चौपाल को पूरी कनाबस लगी हुई है, कुबरी तो नहीं जा पाएगी, तो भाई ये है हरिपुर थार में मौसम आज का, बस लगी हुई है कुबरी वाली, नहीं जाएगी पार, पर मेरा हो गया है कैंसिल चौपाल जाने का, और देखते हैं आगे कैसा मौसम है, मास्क छूट गया था, मास्क पहने मास्क नहीं गया था, गाड़ी है स्टार्ट, चलते हैं चले फिर। ओ भाई ये हाल है, हलवा मास्क तो मुझे मिला नहीं, तुम कहाँ छोड़ी मैंने ढाबे में छोड़ोगा पार, चले फिर भाई बर्फ तो देखो आप। चल पड़े हैं हरिपुर धार से सोलन की ओर, बस 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 हो जाएगा हो जाएगा,
वो भाई देखो बर्फ कितनी जम गई यहाँ पे। तो बाहर तो तगड़ी बर्फ लगी हुई यार, बस कहीं फंसना नहीं चाहिए इतनी बर्फ में, क्योंकि हमारे जो कार के टायर वो थोड़े गंजे से हैं तो स्किड मार सकती है इसके थोड़ा। तो पीछे से ट्रक आ रहा है तो हम उसको आगे जाने देंगे ताकि हम उसके टायरों पे निशान पे चल सके, ज़्यादा ना फिसलें। तो आगे ट्रक चल पड़ा है, पीछे से हम इसे फॉलो करेंगे, लोडेड ट्रक है, पहुँच ही जाएंगे क्योंकि 2-3 किलोमीटर तक ही बर्फ़ बोल रहा है, उसके आगे बर्फ़ नहीं है। फिर ठीक है, फिर बारिश ही है, बारिश का तो कोई इशू नहीं है, इशू बर्फ़ का है क्योंकि बर्फ़ में फंस गया तो फिर ना हम आगे की ना पीछे। तो आगे आगे बर्फ़ तो कम है, जितना हम हरिपुरदार से सोलन की ओर जाते रहे बर्फ़ कम कम होती जा रही है। चलो ठीक है, एटलीस्ट हम सोलन तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो हमें तो रिस्की लग रहा था कि जाए कि नहीं जाए, यहीं रुक जाए। चलो हम पहुंच जाएंगे मे बी सोलन, उम्मीद तो है। बस एक स्टेशन और है नौराधार, क्योंकि वो भी काफ़ी हाइट में है तो मे बी वहाँ हमें बर्फ़ ज़्यादा मिल सकती है जब तक हम पहुंचेंगे वहाँ, क्योंकि 30+ किलोमीटर यहाँ से भी बचा हुआ है नौराधार के लिए। तो काश वहाँ पे इतनी बर्फबारी ना हो जितनी हरिपुरदार में हो गई, हरिपुरदार में तो काफ़ी बर्फ इकट्ठा हो गया है और आगे आगे थोड़ी कम है पर बर्फबारी है। चलो देखते हैं तो भाई यहाँ तो अच्छा एक्सीडेंट हुआ, माचिस तो है नी जी। यार यहाँ पे गाड़ी ठुक गई, एक्सीडेंट हो गया। चलो खुद सेफ है यार, ना बहुत होता है किसी का भी ना। नीचे थोड़ी आने दो, थोड़ी थोड़ी आने दो। फाइनली हम नौधार पहुंच गए, यहाँ पे तो कोई बर्फ नहीं है तो अभी गाड़ी में कुछ ज़्यादा खड़ा हो गया क्योंकि कॉज एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जो पैसेंजर थे तुम साथ ले जा रहे क्योंकि उनको आगे कुछ लिफ्ट मिले थे रात को, तो मेरे साथ बच्चे बैठे हुए और बाकी पीछे 5। तो एक तो मौसम ख़राब है, ऊपर से ठंड बहुत ज़्यादा है, तो शुक्र है नौधार में बर्फ़ नहीं है, अब तो हम इजीली चले जाएंगे। लोड ज़्यादा है गाड़ी में तो हम फिर भी चले जाएंगे। तो यार नहीं एंड करते हैं ब्लॉग का, क्योंकि इनको तो हेल्प भी बेचारे को अच्छा हुआ, मैं तो ये फिर जाने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।